आ गए फिर खरीदार बाजार में। पहला शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं एक गुजारिश चाहता हूं कि मैं अगर शेर पढ़ूं तो मुझे कोई बोले ना, मेरी पहली शर्त यह है। अब जो है मैं अपना शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ये जो माहौल है थोड़ा सा सियासी माहौल दो चार महीने बाद आने वाला है, तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और देखिए हिंदुस्तान है साहब, ये टूटने वाला नहीं है, मिलकर चलने वाला है, तो मैं आप तक शेर पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। आ गए फिर खरीदार बाजार में, बांट देंगे हमें फिर वो दो चार में। चौथे मिसरे पे ताली आपकी आनी चाहिए। बांट देंगे हमें फिर वो दो चार में, सबसे जाकर यही पूछता हूं मैं, अब हक मिलेगा मुझे किसकी सरकार में। वाह 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 वाह। हक मिलेगा मुझे किसकी सरकार में। एक शेर अपने लोगों के लिए पहुंचा रहा हूं, और पिछले से ज्यादा ताली आनी चाहिए तो मेरा हौसला थोड़ा और बढ़ेगा, सुनिएगा। काले गोरे लोगों में बट जाते हैं, काले गोरे लोगों में बट जाते हैं, मेरे कबीले दंगों में बट जाते हैं, मेरे कबीले दंगों में बट जाते हैं, अपनी गर्दन पर खंजर रख लेते हैं, सारे मुसलमान फिरकों में बट जाते हैं, सारे मुसलमान फिरकों में बट जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे दानिश, अच्छा पढ़ रहे भाई। और एक शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। अब मैं आना चाहता हूं, सारी बात हो जाए लेकिन इस सरजमीन हिंदुस्तान जैसी सरजमीन के लिए जिस पे मैं पला हूं, जिस पर बड़ा हुआ हूं, जिस पर मैं चल रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, मैं उसके लिए दो बंदा आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। शेर थामना आपका काम है, मैं शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। तुम्हें वीर भगत मिल जाएंगे, मिल जाएंगे उस्मान यहां, तुम्हें वीर भगत मिल जाएंगे, मिल जाएंगे उस्मान यहां। चौथे मिसरे पे आपके एक एक हाथ उठने की कसम मैं देता हूं आपको। तुम्हें वीर भगत मिल जाएंगे उस्मान यहां, मेरा देश अमर है सदियों से, फिर चीन कहां जापान कहां, मेरा देश अमर है सदियों से, फिर चीन कहां जापान, फिर चीन कहां जापान कहां, जिसकी बातें सब करते हैं दुनिया जिसकी दीवानी है, मेरा शोर सुनो दुनिया वालों, मेरा लहजा हिंदुस्तानी है। वाह 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 वाह, मेरा शोर सुनो दुनिया वालों, मेरा लहजा हिंदुस्तानी है। वाह, मेरा शोर सुनो दुनिया वालों, मेरा लहजा हिंदुस्तानी है। एक बंद मैं इस नज्म का आप तक पहुंचा रहा हूं,
और मुझे उम्मीद है ये मेरी पेशानी पांचों वक्त सजदे में जा करके इस मुल्क के लिए दुआ करती है। मैं ये बंद जो है आपके हवाले कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है इस बंद के साथ आप नाइंसाफी नहीं करेंगे, एक एक हाथ उठा करके पूरी तरीके से मेरी हौसला अफजाई करेंगे। पहुंचा रहा हूं। स्वागत भाई। इन शहरों से इन गांव से ममता की पनपती छाओ से, इन शहरों से इन गांव से ममता की पनपती छाओ से, इस सोंधी सोंधी मिट्टी से तुम पूछ लो चलती राहों से, मेरा जज्बा ही रिश्ता है सजदे में झुकी पेशानी है, मेरा शोर सुनो दुनिया वालों मेरा लहजा हिंदुस्तानी है, मेरा शोर सुनो दुनिया वालों मेरा लहजा हिंदुस्तानी है। एक शेर में और आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिए। स्वागत मेरे भाई। और इस शेर में आप मेरे साथ थोड़ा सा अगर अपना साथ दे देंगे तो इंशाअल्लाह जो है मैं इस शेर को बखूबी आप तक तो पहुंचाऊंगा। सुनिएगा। लबैक पुकारेंगे जब हम अल्लाह मदद फिर भेजेगा, लबैक पुकारेंगे जब हम, लबैक पुकारेंगे जब हम अल्लाह मदद फिर भेजेगा, अल्लाह मदद फिर भेजेगा, मोमिन की हिफाजत की खातिर माबूद रसद फिर भेजेगा, मोमिन की हिफाजत की खातिर माबूद रसद फिर भेजेगा। पहुंचा रहा हूं शेर, थामिएगा, थामना आपका काम है। ईमान पे डट जाने वालों हम दी का आलम लहराएंगे, मशरिक से मगरिब तक लेकर हम जुल्म मिटाने वाले हैं, हम हक पर चलने वाले हैं, हम हक पर चलने वाले हैं। और बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने उस शेर तक पहुंचूंगा, उसके पहले एक शेर मैं पहुंचा के और बनारस की नज्म पढ़ के जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया मैं अपनी जगह ले लूंगा। चूंकि माँ की बात कर रहे थे, बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत उनको जो है नवाजता भी हूँ, दुआ भी करता हूँ। एक शेर मैं पहुंचा रहा हूँ, बाप का जो किरदार है ना, उस बाप के किरदार को पहुंचना वहां तक बड़ा मुश्किल काम है। एक बाप जो एक बच्चे के लिए सुबह भोर में निकलता है और शाम को उसके सोने के बाद लौटता है, हत्ता इतना इतने दिन गुजर जाते हैं कि वो देख नहीं पाता है कि हमारा बाप जो है कब आता है और कब जाता है, पूरी जिंदगी वक्फ कर देता है ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो उसकी ताजपोशी कर सके, उसका नाम कर सके। एक शेर मैं बाप के हवाले कर रहा हूं, सुनिए। स्वागत मेरे भाई, बहुत अच्छा। बाप का ख्वाब है तू ही अरमान है, उसका लखते जिगर उसकी तू जान है, उसका लखते जिगर उसकी तू जान है। सुनिएगा। वक्त फुर्सत में उसकी जुबानी सुनो, अपने बचपन की उस से कहानी सुनो, मुश्किलों से भरा कैसा वो दौर था, मुश्किलों से भरी जिंदगानी सुनो, मुश्किलों से भरी जिंदगानी सुनो, उसकी खुशियों का बस एक बाइस है तू, उसका तू ईद है, उसका रमजान है, बाप का ख्वाब है तू ही अरमान है, उसका लखते जिगर
उसकी तू जान है, उसका लखते जिगर उसकी तू जान है। जज्बाती शेर था। और एक बस एक बंद, दो बंद बनारस वाली पढ़ दो, दो बंद मैं बनारस की पढ़ के। जहां बिस्मिल की शहनाई हो, जहां गंगा में पुरवाई हो, जहां शाम को आरती होती हो, जहां संत साई अक जाई हो, जिसकी हर एक बोली को सब मीठा सारस कहते हैं। मैं ऐसे शहर से आता हूँ जिसे लोग बनारस कहते हैं, मैं ऐसे शहर से आता हूँ जिसे लोग बनारस कहते हैं। मैं बीच की बंद हटा करके आखिर की बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। मौजों की रवानी से पूछो, बहते हुए पानी से पूछो, मौजों की रवानी से पूछो, बहते हुए पानी से पूछो, लहरों पे लिखी जो गंगा की उस अमर कहानी से पूछो, लहरों पे लिखी जो गंगा की उस अमर कहानी से पूछो, जहां ठंडई भांग के शरबत की मस्ती को सुधारस कहते हैं। मैं ऐसे शहर से आता हूँ जिसे लोग बनारस कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।